ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। आइए जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट्स कौन कौन सी है। पहली जो कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो कंपनी है रेलिगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है रिलेशनशिप मैनेजर का पद। और जो रिलेशनशिप मैनेजर ढूंढ रही है कंपनी वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है। और जो लोकेशंस ऑफर करती है कंपनी आपको तो बड़ी वेरियस लोकेशंस है जो कि कंपनी आपको ऑफर कर रही है। तो लोकेशंस है लुधियाना, जयपुर, रोहतक। अगर बात करूं योग्यता की तो आपने MBA किया हुआ होना चाहिए, वो MBA मार्केटिंग या फिर फाइनेंस में आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो साथ ही कंपनी आपको 0 से लेकर 5 साल का अनुभव भी डिमांड करती है, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जॉब के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स वेकेंट है आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही ये कंपनी आपको 1,50,000 से लेकर 3,00,000 रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है। साथ ही आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इस कंपनी की तरफ से। अगर ये नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि www.relegate.com। इस पर चेकअप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है malhotra.pawan@relegate.com। इस पर चेकअप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही जो अगला विभाग है आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो आपके लिए जॉब लेकर आया है वो अगला विभाग है पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड। और जो पद इस विभाग में आपके लिए वेकेंट है वो पद है डेंटल सर्जन और क्लिनिकल ट्यूटर का पद। अगर बात करें सीट्स की तो 225 सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। और आपको बता दूं जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कुछ इस तरह होगा कि पहले तो आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसमें अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। और अगर आपको ये नौकरी पसंद है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि www.wbhrbn.in। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। और अगर आपको ये नौकरी पसंद और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि 11 जनवरी 2016 अंतिम तिथि है, उस तिथि तक ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आवेदन लेना बंद कर दिए जाएंगे। और साथ ही 4,00,000 रुपए से लेकर 8,00,000 रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है करता है ये विभाग आपको। और अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो, और आपको बता दूं जो योग्यता है इस जॉब के लिए वो ये है कि आपने डेंटल अधिनियम 1948 के तहत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से BDS की डिग्री ली हुई होनी चाहिए। BDS यानी मैं आपको बता दूं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको बता दूं जो आयु सीमा है जॉब के लिए वो 32 वर्ष है और जो अन्य जुड़े हुए पद हैं उनके लिए 40 वर्ष बताई गई है। चलिए देख लेते हैं कि रोजगार समाचार इंटरनेशनल में कौन कौन सी वो कंपनियां जो कि आपका इंतजार कर रही है। पहली जो कंपनी इंटरनेशनली आपका इंतजार कर रही है वो है कनक दृष्टि इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो कैनेडा और US की लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको जॉब के लिए। साथ ही अगर योग्यता की हम बात करें तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। साथ ही 2 से 3 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे। साथ ही 30 सीट्स वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो $5,000 से लेकर $15,000 का सालाना पैकेज ऑफर करती है ये कंपनी आपको। और ये नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनसे फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर इस प्रकार है 0991120174। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पर जो कि है www.kanakdrishtiinfotech.com। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। दोस्तों यदि जोश, जुनून और जज्बे के साथ काम किया जाए तो हम हमारे सपनों को नई पहचान दे सकते हैं। मेजर DP सिंह ने बच्चों को बहुत से ऐसे जवाब दिए जो कि बच्चे जानना चाहते थे। तो चलिए आपको बता दें कि बच्चों को किस तरह राह दिखाई DP सिंह जी ने। सर मैं NDA में जाना चाहता हूँ। अब मैं जिससे भी बोलता हूँ सभी बोलते तेरे बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। सर अब मेरे को पता नहीं है मेरा NDA में हो भी आएगा कि नहीं। What's your name? सानिध्य। सानिध्य, तो मैं जब ताइक्वांडो में ये वाली किक मार रहा था ना, ये पैर जो है सपोज टू बी एक्चुअली
deal was supposed to be, you know, in the air and on toe I was supposed to be twisting. 360 degree kick lagti hai aise karke, right? तो उस पर आप हील उठाते हो और पूरी बॉडी जो है टो पे घूमती है, बट समहाउ आई कुड नॉट रेज माई हील एंड माई बॉडी गॉट ट्विस्टेड ऑन द नी एंड लिगमेंट मेनिस्कस एवरीथिंग. आई वॉज नॉट इवन अवेयर उस समय की ये क्या चीज होती है. बायोलॉजी में वैसे नहीं था. ये जो घुटना था इतना सूझ फॉर थ्री मंथ्स इतना बेंड होना मुश्किल होता था और 10 डिग्री होता था और ऊपर से गाली अलग पड़ते नहीं करते छोटे लेवाता रहता है हमें क्या निगमों की तरह ऑल दैट स्टफ. आई डिड नॉट गॉट इट ऑपरेटेड व्हेन आई क्लियर्ड द एसएसबी. आई थॉट कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम देता है, लेट मी गो एंड शो इट टू सम ऑर्थोपेडिक. एंड डॉक्टर टोल्ड मी द सेम थिंग व्हाट पीपल आर टेलिंग यू नाउ. आई डोंट नो व्हेदर दे आर डॉक्टर और नॉट. ही सेड यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेन बिकॉज़ योर नी इज सो बैडली इंजर्ड. ऑल द लिगमेंट्स एंड मेनिस्कस वर नॉट देयर. Broken, badly broken. I still went and completed not only my academic training. Of course, there was some problem because you're twisting hoti thi jab. When you shifting wala jo game karte ho, usme wo kai baar problem karta tha. Otherwise, if you are running without any twist, then it is fine. I did not only completed my academic training, but I also completed the commando training with the same. छोड़ दे लोग जो बोलते हैं ना वो कमजोर है सानिध्य. सर आई वांटेड टू आस्क दैट व्हाटएवर यू डिड वाज इट जस्ट टू प्रूव एवरीवन और इट इज व्हाट यू एक्चुअली वांटेड. यू रिमेंबर आई हैड शोन दैट स्लाइड द फर्स्ट हाफ आवर ऑफ व्हिच आई कंप्लीटेड. व्हाट वर दे शेयरिंग दैट द बैटल वाज विद इन मी. द बैड इन मी वाज टेलिंग मी मतलब क्विट टेक शॉर्टकट एंड ऑल दैट स्टफ. And the good in me was telling me, this is the time to prove yourself. To prove who? To prove me. So that I can face myself in the mirror and feel proud that I could take control of my attitude, my mental strength. Weakness is not here, weakness is here. So if you shape up things, if you shape up attitude, you shape up your mental strength. All rest of the things which are happening is the byproduct. But the biggest thing which has happened that I could take charge of my own. Of course, they become the catalyst. क्योंकि उन्होंने मेरे को वो reason दिया कि यार are you so weak? So the day Sanidhya will clear the SSB, he will be overpowering his own weakness which is being created by others, not by himself. So the weakness is created mostly by others. Perhaps you are much stronger, but when you feel the others, लोग क्या कहेंगे, वो हंसेंगे, वो पूछेगा, और तुम क्या कर रहे हो, वो सब चीजें जो होती हैं ना, those can become your weakness, but those can become your catalyst also. So they work as a catalyst for me. But the biggest strength which I gained was for me, right? So work for your strength, because you only have to improve. तो दर्शकों आज के इस रोजगार समाचार में इतना ही. उम्मीद है कि हमारा शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में जरूर सफल रहा होगा. और अगर आप ये अपनी कंपनी के लिए कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस नौकरी की वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com. दोस्तों अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब के साथ. तब तक आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि firstindianews.com. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.